ये दोनों के अंदर भी आप जो है 3 यूनिट कवर करेंगे। ये 3 यूनिट रहेंगे, एक रहेगा फर्स्ट यूनिट रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का, सेकंड यूनिट रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और थर्ड यूनिट रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये आपके माइंड में फिक्स कर लीजिए, ओके, कि आपको जो है 3 यूनिट पढ़ना है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या फिर चाहे वो पेपर सेकंड हो। दोनों भी पेपर के अंदर आपको, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों भी पेपर के अंदर आपको केमिस्ट्री फर्स्ट हो या केमिस्ट्री सेकंड हो, आपको जो है 3 यूनिट पढ़ना है। एक यूनिट होगा, पहला यूनिट होगा फिजिकल केमिस्ट्री का, सेकंड यूनिट होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और थर्ड यूनिट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ओके। तो ये दोनों भी सब्जेक्ट, यानी केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड, ये दोनों भी सब्जेक्ट के अंदर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, यानी यूनिट थर्ड है, वो मैं लेने वाला हूँ, ओके। ये तो हमने सिलेबस को डिवाइड किए हैं, आपको पता होगा, आपको इससे पहले लेक्चर भी हुए होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो है साजिश सर लेते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पवार सर लेते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माई सेल्फ शोएब सर लेंगे, ओके। तो ये आपका क्लियर हो गया कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वरना ऐसा कन्फ्यूजन ना हो बाद में चल के कि 3 टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कौन सा पार्ट सब्जेक्ट का ले रहे हैं, कौन से टॉपिक का ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सब खिचड़ी नहीं होना। इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बताया हूँ। इसके बावजूद भी अगर जो आप लोगों को कुछ डाउट आता है, तो आप जो है, मेरा नंबर तो आपके पास है, तो आप मैसेज कर कर भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, ओके। तो उसके अंदर फिर जो पार्ट है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन है, तो मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ बिहाफ ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। और आपने जो है FY BSc में एडमिशन लिया है, तो यहाँ से आगे हम लोग साथ में रहेंगे। कुछ भी डाउट रहा सब्जेक्ट के बारे में, तो आप मुझे कभी भी एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, ओके, कॉल भी कर सकते हैं, ओके। तो आगे चल के हम जो लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप लोगों को एक प्रॉमिस करना है कि, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको सिंपल फंडा बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दिखने में लगती है टफ, क्यों, तो मैंने देखा है। मैंने कुछ साल पहले जो है, यानी अंजुमन कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, मैंने जो है 11-12 के क्लासेस पे पढ़ाया था, अंजुमन डिग्री कॉलेज। तो मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया था, बच्चों को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। अब कन्फ्यूज़न होने का कारण मुझे एक ही लगा, मैक्सिमम स्टूडेंट पे मैंने देखा है कन्फ्यूज़न होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी आप लोगों के माइंड में क्या आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रिएक्शंस, और रिएक्शंस यानी इसका रिएक्टेंट, उसका प्रोडक्ट, उसका केमिकल रिएजेंट, उसका रिएक्टिंग कंडीशंस, ये सारे रिएजेंट्स, बेस, एसिड, ये सारे इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि बस रिएक्शन लिखते वक्त रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट किसी और का लिखते हैं, रिएजेंट किसी और का लिखते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन 11-12 के बेसिस पे। तो जनरल ऑब्जर्वेशन जो है, ये क्यों होता है एक्चुअल में, हम लोग जो है बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं, उसमें केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हमारा जो है जनरल डाउट ये होता है कि केमिस्ट्री के अंदर जो है ऑर्गेनिक रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी आपको सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए, उसमें एक सिलेक्टेड पार्ट जो है रिएक्शंस का होता है, बाकी थियोरेटिकल पार्ट होता है। अभी आप कहा FY है, FY के अंदर थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, रिएक्शंस का पार्ट बहुत कम है, ओके। जैसा आप SY में जाएंगे, तो SY में आपको रिएक्शंस का पार्ट थोड़ा बढ़ेगा, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम होगा। जैसा आप TY में जाएंगे, तो रिएक्शन का पार्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और थ्योरेटिकल पार्ट और कम होगा। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको जो है रिएक्शंस की तरफ बढ़ना है। तो रिएक्शंस का की मैं बताता हूँ आप लोगों को, रिएक्शंस का की ये है कि रिएक्शंस जो है सिर्फ प्रैक्टिस से ही कंप्लीट हो सकते हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस यानी जैसा कि मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ा दिया, आप लोगों ने पढ़े होंगे आपके 12 के बेसिस पे, कैनिजारो रिएक्शन पढ़े होंगे आपने, अल्डोल कंडेंसेशन पढ़े होंगे, जो भी इसमें से कोई भी एक रिएक्शन पढ़े होंगे। तो ये रिएक्शंस में होता क्या है, कोई भी रिएक्शन के पार्ट को
आप जो है रट नहीं सकते, रटिफिकेशन कैन नॉट बी अप्लीकेबल फॉर द ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो है रटिफिकेशन कर नहीं सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस करना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, इट इज़ रिलेटेड विद द मैथमेटिकल। मैथमेटिक्स में आप जो है सिर्फ याद करते हैं क्या? मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं, कोई भी याद नहीं करता मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं उसको प्रैक्टिस। इसमें भी वैसा ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ जहाँ पर ऑर्गेनिक रिएक्शन आएंगे वहाँ वहाँ पर आपको जो है वो पार्ट का आपको जो है प्रैक्टिस करना है। यानी जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया, अभी अब एफ वा है, अभी को आपको ये सेमेस्टर में एक रिएक्शन होंगी कैनिजर और रिएक्शन, ओके, या फिर नोवेन जल कंडेंसेशन, जो भी रिएक्शन रहेंगी। अब ये रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम आ गया। तो रिएक्शंस में होता क्या है, एक तो रिएक्शंस को रिएक्टेंट के पार्ट से पूछा जाता है, एरो देते हैं और एरो पे कंडीशन लिखते हैं, और प्रोडक्ट आपसे पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा। ये एक तरीका है रिएक्शन का। दूसरा ये होता है कि रिएक्शन कंडीशन देते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं, और रिएक्टेंट के जगह पे क्वेश्चन मार्क होता है, यानी प्रेडिक्ट करो कि कौन सा रिएक्टेंट लेने के बाद आपने जो है प्रोडक्ट तैयार किया। तीसरा ये होता है कि आपको डायरेक्ट रिएक्शन का नाम देते हैं और आपको पूछते हैं कि एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, जैसा कि कैनिजाव रिएक्शंस, एक्सप्लेन द कैनिजाव रिएक्शंस विथ मैकेनिज्म और विथ एग्जाम्पल। ये तीन तरीके होते हैं कोई भी रिएक्शंस के पूछने के। थ्योरेटिकल पार्ट इजी होता है, थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ भी नहीं, लेकिन रिएक्शन के पार्ट में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं उसको फोकस कर रहा हूँ। मकसद ये है कि आप लोगों का जो है डर निकालना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, अगर जो किसी का होगा तो, वरना मैक्सिमम स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तीन तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोई रिएक्शन का पार्ट होगा तो। अब ये तीसरा जो पार्ट है ये वाला, फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज द थर्ड पार्ट जो है कैनिजाव रिएक्शन एक्सप्लेन, ये आपको एक मरतबा थोड़ा सा आ जाएगा, लेकिन आप कन्फ्यूजन कहाँ होते हैं, रिएक्टेंट दे रहे हैं, रिएक्शन कंडीशन दे रहे हैं और प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, या फिर रिएक्शन कंडीशन दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, रिएक्टेंट पूछ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ओके। तो यह पार्ट, कन्फ्यूजन वाला पार्ट इतना इजी होता है कि इसमें एक सेंटेंस में आपका आंसर निकलता है, मैथमेटिकल टाइप आंसर लिख दो, आंसर सही होगा तो एक भी मार्क नहीं कटेगा। अब ये कैसा पॉसिबल है, ये बिल्कुल आसान है, ये इजीली आप लोग कर सकते हैं। कैसा करेंगे आप लोग, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। क्यों? तो मेरा मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मैं जो है यहाँ पर अंजुमन में, मेरी ये चौथी बैच है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एफ वाई में, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि 11th 12th के अंदर जितना भी डर होगा स्टूडेंट का, चाहे कितना भी डर हो, बाउंड्री में पास हो, अगर जो बाउंड्री पर भी पास होकर केमिस्ट्री में आया होगा और उसने अगर जो मैंने बताया जो पैटर्न है कि आपको प्रैक्टिस करना है वो उसको फॉलो करेगा, तो वो जो है टी वाई में जाकर टॉप कर सकता केमिस्ट्री के अंदर। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हुए हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनको CH3 लिखना नहीं आता था, ओके, कार्बन की वैलेंसी पता नहीं थी, वो भी स्टूडेंट ने टॉप किए। कब? जब उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया, जब उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की, तो इजीली वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आसानी से आप लोग कवर कर सकते हैं। क्यों? तो मैक्सिमम स्टूडेंट का डर यही सब्जेक्ट के बारे में होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्टेंट प्रोडक्ट समझ में नहीं आते, याद करने के बाद भूल जाता है। रेटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बताया, रेटिफिकेशन यहाँ पर रिएक्शन के पार्ट पर रेटिफिकेशन नहीं कर सकते आप, थियोरेटिकल पार्ट पे आप रेटिफिकेशन कर सकते हैं, थियोरेटिकल पार्ट पे। रिएक्शन के पार्ट पे आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी आपके जो हाथ है, जो आपकी उंगलियां हैं, आपकी जो पेन है, ये पेन में आपको माइंड डेवलप करना है। यानी आपको मैंने बोल दिया कैंजर रिएक्शन लिखो, तो आपने स्टार्ट हो जाना चाहिए, ओके, आपने रुकना नहीं चाहिए, आपने सोचना भी नहीं चाहिए कि, तो आपके पेन में उतर जाना चाहिए हो कि कैंजर रिएक्शन यानी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन कंडीशन है। तो इस तरह से पॉसिबल हो जाएगा। कब प्रैक्टिस करेंगे? जनरली क्या होता है, जब आप एक मरतबा लिखते हैं, आप जब फर्स्ट टाइम लिखते हैं, तो आपको जो है जनरल ऑब्जर्वेशन आपका ही नहीं, ये 90% स्टूडेंट का, और ये मेरा खुद का भी ये है तजुर्बा है कि फर्स्ट टाइम जब आप रिएक्टेंट लिखते हैं
या फिर हमने भी जब फर्स्ट टाइम रिएक्शन लिखी थी उस टाइम में हमको कुछ भी समझ में नहीं आता। सेकंड टाइम फिर उसको रिपीट करते हैं एक मरतबा और डबल से लिखते हैं, तो थोड़ा सा पार्ट हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये इतने कार्बन हैं, इतना यानी पर्टिकुलर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, सेकंड टाइम लिखते हैं थोड़ा थोड़ा इमेज माइंड में होती है थोड़ी सी, यानी 10%। थर्ड टाइम लिखते हैं तो आपको 50% रिएक्शन क्लिक हो जाती है कि ये रिएक्शन में हमको करना क्या है। और जब फोर्थ टाइम लिखते हैं आप वो रिएक्शन को, तो फोर्थ टाइम में आपको जो है वो पूरा पार्ट आसानी से समझ में आ जाता है। ओके, तो ये फार्मूला बहुत परफेक्ट बैठता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पे, क्योंकि तो हम लोगों ने भी प्रैक्टिस किया है। ओके, तो यही तरीके से हमको भी करना है, डरना बिल्कुल नहीं है। ओके, प्रैक्टिस करना है और मैक्सिमम टाइम देना है। ये आपका FYBSC का क्लास है, FYBSC है। दूसरी बात, अनफॉर्चुनेटली लेकिन आपके लिए फॉर्चुनेट ये है कि आपको जो है मैक्सिमम टाइम मोबाइल यूज़ करने का मौका मिला है। ओके, टाइम अनफॉर्चुनेट है यानी बीमारी अनफॉर्चुनेट है, हम लोग उसको डील कर रहे हैं COVID-19 को, पेंडेमिक को, लेकिन आपके लिए उसमें भी फॉर्चुनेट ये है कि आपको जो है घर पे कोई पाबंदी नहीं है मोबाइल यूज़ करने की, यानी आप मैक्सिमम टाइम मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मोबाइल यूज़ करने का सही इस्तेमाल करना है रिगार्डिंग FYBSC। ओके, क्या करना है आपको, मेरे सब्जेक्ट के बारे में देखिए। अभी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, अब जैसा कि मैंने केमिस्ट्री फर्स्ट स्टार्ट किया, तो केमिस्ट्री फर्स्ट के अंदर क्या है, नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। ओके, उसके बाद और रिएक्शंस का पार्ट है, मैकेनिज्म का पार्ट है, रिएजेंट का पार्ट है, सिंथेसिस का पार्ट है। ये जो पार्ट है हम जो केमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं या फिर केमिस्ट्री सेकंड में हम जो पढ़ेंगे, केमिस्ट्री सेकंड में क्या है, केमिस्ट्री सेकंड में हम पढ़ेंगे जो है प्रोजेक्शन फार्मूलाज। ओके, उसमें अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, ओके, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ये थोड़ा सा जो पार्ट है, ये पार्ट मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको डाउट वगैरह आते हैं तो आपको इंटरनेट का यूज़ भी करना है साइमल्टेनियसली। ओके, पैसा भी आपके हाथ में, दिन भर में से 24 घंटे में से 12 घंटे तो अभी लॉकडाउन के टाइम में मोबाइल होता है मैक्सिमम स्टूडेंट के पास, क्यों तो वो कुछ ना कुछ सर्च करते हैं कुछ ना। तो ये मैक्सिमम टाइम हमको यूटिलाइज करना है काहे के लिए, हमारे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, हमारा बेस मजबूत करने के लिए। ओके, दूसरी बात, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना है BSc के बारे में। क्या पॉजिटिव होना है, जनरल ये होता है कि नहीं हमने BSc में एडमिशन ले लिया है, जनरल क्या होता है कि हमने BSc में एडमिशन ले लिया है। हाँ, BSc तो बस मैं घर पे था, TC पढ़ा हुआ, तो डैडी ने मम्मी ने बोला है कि हम इनरोल कर लेते और तो इसलिए हमने एडमिशन ले लिया। BSc तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक बात समझिए, BSc भी बहुत डिमांडेबल सब्जेक्ट है। अब क्यों डिमांडेबल सब्जेक्ट है मैं आपको बताता हूँ, उसका इम्पोर्टेंस समझिए। अगर जो आपको BSc का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया तो आप आगे चल के बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली अभी आप 12th पास होकर आए हैं, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने नीट की एग्ज़ाम देखी होंगी, JEE की एग्ज़ाम देखी होंगी। ओके, तो हम लोग तो कोशिश करते हैं JEE की एग्ज़ाम के थ्रू कहाँ जाने के लिए, IITs में जाने के लिए। ओके, तो हमारे पास और एक मौका है IIT में जाने का, क्या है मौका, हम लोग MSc के लिए IITs में जा सकते हैं। MSc उसके लिए एक एग्ज़ाम होती है, JAM की एग्ज़ाम। वो एग्ज़ाम अगर जो हम BSc के बाद, BSc फाइनल ईयर में देना पड़ता है, वो JAM की एग्ज़ाम अगर जो हम देंगे और JAM को क्रैक करेंगे तो आप लोग भी IITian बन जाएंगे, IITs में पहुंच जाएंगे। IIT यानी पूरे इंडिया में 7 या 9 इंस्टीट्यूट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो कि टॉप 500 इंस्टीट्यूट में पूरे वर्ल्ड के आते हैं, तो वहाँ पर जा सकते हैं हम लोग MSc के लिए। कब, हमको JAM की एग्ज़ाम क्रैक करना है। और JAM की एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, जो भी BSc का सिलेबस है, जो भी BSc का सिलेबस है वो सिलेबस होता है JAM की एग्ज़ाम का। तो ऐसा मत समझिए कि BSc नॉर्मल है, BSc के बेस पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप BSc के बेसिस पे नेट सेट के एग्ज़ाम दे सकते, प्रोफेसर बन सकते। ओके, BSc करके आप BEd करने के बाद एक लेक्चरर बन सकते, MSc करने के बाद BSc BEd करने के बाद आप टीचर बन सकते। ओके,
आप साइंटिस्ट बन सकते हैं बीएससी एमएससी पीएचडी करने के बाद। ओके, आप डीआरडीओ में जा सकते हैं, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा सकते हैं। आप टीफर में जा सकते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बोलकर, जहाँ पे बहुत मस्त द मैक्सिमम जो रिसर्च होता है, जो जहाँ डेवलपिंग साइंस के बारे में होता है, तो वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहाँ पे जा सकते हैं। आप इसरो में जा सकते हैं। ओके, आप जो है ओएनजीसी में जा सकते हैं। बहुत मौके हैं बीएससी वालों को, आप एमपीएससी कर सकते हैं, आप यूपीएससी कर सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ से बीएससी करने के बाद बहुत रास्ते हैं, तो सिर्फ हमको हम करना क्या है, अभी जो हम बीएससी करेंगे इसको, बीएससी को हमको ईमानदारी से करना है। बीएससी को छोटा नहीं समझना है, बीएससी को एकदम बेहतरीन सब्जेक्ट समझ के हमको जो है बेहतरीन क्वालिटी के कोर्स में हमने एडमिशन लिया है, ये हमारे माइंड सेटअप बनना चाहिए। ओके, उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको, आज जो है मेरा फर्स्ट लेक्चर था, आपको इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी मैं आपको जो है आज शाम यानी 1-2 घंटे में आपको एक लेक्चर, मेरा आज एक लेक्चर भी होता है और एक ऑनलाइन डिस्कशन होता है। तो ऑनलाइन डिस्कशन तो हो गया, आपसे इंट्रोडक्शन भी हो गया, कुछ पार्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, सिलेबस के बारे में आपको बताया है। अभी मैं आपको एक लेक्चर भी अपलोड करूँगा आज, तो वो जो लेक्चर है उसके लिंक मैं आपके ग्रुप पर भी सेंड करूँगा और जो है गूगल क्लासरूम पर भी सेंड करूँगा। तो आपको जो है प्रॉपरली डेली डेली बेसिस पे आपको लेक्चर देखना है, लेक्चर के बेसिस पे फिर आपकी एग्ज़ाम होंगी आगे चलकर। ओके, और हमारा जब भी ऑफलाइन क्लास हो, मैं जब भी हम लोग रेगुलर मोड में आ जाएंगे, तब हम लोग जो है रेगुलर क्लासरूम पे स्टडी करेंगे, लेकिन तब तक तो आपको जो है इसी मोड से गुजरना है। तो इसमें जो है फर्स्ट पार्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ केमिस्ट्री फर्स्ट का। 1 मिनट आप होल्ड करिए, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में।